हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल रौरकेला स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे या सेल रौरकेला स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर एग्जाम 2019 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, विच पुली इज फिटेड ऑन द बेल्ट टू इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। संपर्क के चाप को बढ़ाने के लिए बेल्ट पर कौन सी चरखी फिट की जाती है? आंसर, जॉकी पुली, जॉकी चरखी। जॉकी पुली इज फिटेड ऑन द बेल्ट टू इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। संपर्क के चाप को बढ़ाने के लिए बेल्ट पर जॉकी पुली फिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस टेपर इज यूज्ड इन बोर ऑफ स्पिंडल नोजेस लेथ एंड मिलिंग मशीन। इस शंकु खराद धुरी नोच के बोर और मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। आंसर, मोर स्टेपर। मोर स्टेपर इज यूज्ड इन बोर ऑफ स्पिंडल नोज लेथ एंड मिलिंग मशीन। मोर स्टेपर शंकु खराद धुरी नोच के बोर और मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज्ड बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ। कच्चा लोहा फोर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें निम्न की गुण है। आंसर, ब्रिटलनेस, भंगुरता। कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज्ड बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। कच्चा लोहा फोर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भंगुरता का गुण है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवेट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। संरचनात्मक कार्यों के लिए कौन सा कीलक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आंसर, पेन हेड। पेन हेड रिवेट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्ट्रक्चरल वर्क। संरचनात्मक कार्यों के लिए पेन हेड रिवेट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच गियर टीथ आर कट एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के अक्ष पर कोण में किस गियर के दांत काटे जाते हैं? आंसर, हेलिकल गियर, पेचदार गियर। इन हेलिकल गियर टीथ आर कट एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के अक्ष पर कोण में हेलिकल गियर के दांत काटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स इन आर रिवेट जॉइंट। एक कीलक संयुक्त में रिवेट्स के बीच न्यूनतम दूरी। आंसर, 3D। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स इन आर रिवेट जॉइंट। आंसर, 3D। एक रिवेट जॉइंट में रिवेट्स के बीच न्यूनतम दूरी 3D होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, मशीनीकरण में सुधार करना। टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी इज द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड कट फाइल इज टाइप ऑफ। दूसरी कट फाइल इस प्रकार है। आंसर, ग्रेड। सेकेंड कट फाइल इज टाइप ऑफ ग्रेड। दूसरी कट फाइल ग्रेड प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ मेटल विथ स्टैंड इम्पैक्ट लोड इज। धातु की क्षमता प्रभाव भार का सामना करती है। आंसर, टफनेस, दृढ़ता। द एबिलिटी ऑफ मेटल विथ स्टैंड इम्पैक्ट लोड इज टफनेस। धातु की दृढ़ता, टफनेस क्षमता प्रभाव भार का सामना करती है। क्वेश्चन नंबर 10, द मार्जिन गिवन इन बेसिक साइज इज। मूल आकार में दिया गया मार्जिन है। आंसर, लिमिट, सीमा। द मार्जिन गिवन इन बेसिक साइज इज लिमिट। मूल आकार में दिया गया मार्जिन सीमा है।
क्वेश्चन नंबर 11, केजेस आर मेड ऑफ, गेज किससे बने होते? आंसर अलॉय स्टील, मिश्र धातु इस्पात। गेजेस आर मेड ऑफ अलॉय स्टील, गेज मिश्र धातु इस्पात से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रेचेस ऑन द सरफेस इज नॉन एज, सतह पर खरोच के रूप में जाना जाता है? आंसर व्यूनेस, स्क्रेचेस ऑन द सरफेस इज नॉन एज व्यूनेस, सतह पर खरोच के रूप में जाना जाता है व्यूनेस। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द कूलेंट इज यूज्ड फॉर रिमिंग एल्युमिनियम वर्कपीस, एक रिमिंग एल्युमिनियम वर्कपीस के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है? आंसर केरोसिन, केरोसिन कूलेंट इज यूज्ड फॉर रिमिंग एल्युमिनियम वर्कपीस, एक रिमिंग एल्युमिनियम वर्कपीस के लिए केरोसिन कूलेंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन लेथ लीड स्क्रू, खराद लीड पेच में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? आंसर एक में थ्रेड, एक में थ्रेड, टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन लेथ लीड स्क्रू, खराद लीड पेच में एक में थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, माइक्रोमीटर में रेचेट को रोकने में मदद करता है? आंसर कंट्रोल द प्रेशर, दबाव को नियंत्रित करने। क्वेश्चन नंबर 16, द हॉरिजॉन्टल फीड क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मोमेंट इन अ लेथ इज कंट्रोल्ड बाय, एक खराद में क्षैतिज फीड क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मोमेंट को नियंत्रित किया जाता है? आंसर एप्रन, द हॉरिजॉन्टल फीड क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मोमेंट इन अ लेथ इज कंट्रोल्ड बाय एप्रन, एक खराद में क्षैतिज फीड क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मोमेंट को नियंत्रित एप्रन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेप्ट ब्लैंक ऑफ द फाइल इज टेम्पर्ड, फाइल के खालिस्तान को छोड़कर टेम्पर्ड है? ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी शोल्डर, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी पॉइंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट टांग ऑफ द फाइल इज टेम्पर्ड, फाइल के टांग को छोड़कर टेम्पर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग, कौन सा निम्न में से एक टर्निंग के लिए बेलनाकार रफ कास्टिंग धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर फोरजा चक, चार जबड़े चक, फोरजा चक इज यूज टू होल्ड सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग, निम्न में से चार जबड़े चक टर्निंग के लिए बेलनाकार खुरदरी कास्टिंग धारण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर ब्लैंक, गन मेटल तांबे और किसकी मिश्र धातु है? आंसर टीन एंड जिंक, टीन और जिंक। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर टीन एंड जिंक, गन मेटल तांबे टीन और जिंक की एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थीन सेक्शन ट्यूब इज, पतले सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच है? आंसर 0.8 mm, 0.8 मिलीमीटर।
The most suitable pitch of hexa blade for cutting thin section tube is 0.8 mm. पतले सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच 0.8 mm है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड फॉर पावर प्रेस। पावर प्रेस के लिए किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? आंसर स्क्वायर। स्क्वायर टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड फॉर पावर प्रेस। पावर प्रेस के लिए स्क्वायर प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आ जिग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर। एक जिग खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। आंसर गाइडिंग द टूल, उपकरण का मार्गदर्शन करना। अ जिग इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर गाइडिंग द टूल। एक जिग उपकरण का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 23, विस्कोसिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, इट इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू। चिपचिपाहट द्रव की एक आंतरिक गुण है या इसके प्रतिरोध का एक उपाय है। आंसर फ्लो, प्रवाह। विस्कोसिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, इट इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। चिपचिपाहट द्रव की एक आंतरिक गुण है या इसके प्रतिरोध का एक उपाय है, प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 24, द रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग्स आर नॉन एज ब्लिंक। रोलिंग संपर्क बेयरिंग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आंसर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। द रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग आर नॉन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। रोलिंग संपर्क बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लिंक। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक खालिस्तान है। आंसर कॉपर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन क्लोज द पाइप एंड इज रिक्वायर्ड फिटिंग ऑफ ब्लिंक। जब पाइप एंड के करीब हो तो खालिस्तान की फिटिंग आवश्यक है। आंसर केप। व्हेन क्लोज द पाइप एंड इज रिक्वायर्ड फिटिंग ऑफ केप। जब पाइप एंड के करीब हो तो केप की फिटिंग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27, अ टेप वॉशर इज यूज्ड फॉर ब्लिंक। एक टेप वॉशर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। आंसर लॉकिंग द नट, नट को लॉक करने के लिए। एक टेप वॉशर का उपयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। अ टेप वॉशर इज यूज्ड फॉर लॉकिंग द नट। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर सॉफ्ट इन पैरेलल एंड रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन द बेल्ट ड्राइव यूज्ड इज ब्लिंक। समानांतर में शाफ्ट के लिए और एक ही दिशा में घूमने के लिए प्रयुक्त बेल्ट ड्राइव खालिस्तान है। आंसर ओपन बेल्ट ड्राइव, खुला बेल्ट ड्राइव। फॉर शाफ्ट इन पैरेलल एंड रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन द बेल्ट ड्राइव यूज्ड इज ओपन बेल्ट ड्राइव। समानांतर में शाफ्ट के लिए और एक ही दिशा में घूमने के लिए प्रयुक्त बेल्ट ड्राइव खुला बेल्ट ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक इज यूज्ड टू पुट कोल इन फोर्ज एंड टेक आउट एस फ्रॉम फोर्ज। खालिस्तान का उपयोग फोर्ज में कोयला डालने और फोर्ज से राख निकालने के लिए किया जाता है। आंसर सॉयल, फावड़ा। सॉयल इज यूज टू पुट कोल इन फोर्ज एंड टेक आउट एस फ्रॉम फोर्ज। फावड़ा का उपयोग
फोर्ज में कोयला डालने और फोर्ज से राख निकालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉलर साइज ऑफ ड्रिल इन नंबर कैटेगरी इज ब्लैंक। संख्या श्रेणी में ड्रिल का छोटा आकार खालिस्तान है। आंसर 0.35 mm, 0.35 mm। स्मॉलर साइज ऑफ ड्रिल इन नंबर कैटेगरी इज 0.35 mm। संख्या श्रेणी में ड्रिल का छोटा आकार 0.35 mm है। क्वेश्चन नंबर 31, टू रिमूव एक्सेसिव ब्रिटलनेस ऑफ चिजल ब्लैंक इज डन। छेनी की अत्यधिक भंगुरता को दूर करने के लिए खालिस्तान किया जाता है। आंसर टेम्परिंग। टू रिमूव एक्सेसिव ब्रिटलनेस ऑफ चिजल टेम्परिंग इज डन। छेनी की अत्यधिक भंगुरता को दूर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोन इज इक्वल टू ब्लैंक। माइक्रोन खालिस्तान के बराबर है। आंसर 0.001 mm। माइक्रोन 0.001 mm के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैंक इज यूज्ड टू करेक्टली क्लीन द होल। खालिस्तान का उपयोग छेद को सही ढंग से साफ करने के लिए किया जाता है। आंसर रीमर। रीमर इज यूज्ड टू करेक्टली क्लीन द होल। रीमर का उपयोग छेद को सही ढंग से साफ करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैंक इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। खालिस्तान का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आंसर पायरोमीटर। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, टोंक्स आर जनरली मेड ऑफ ब्लैंक। चिमटे आमतौर पर खालिस्तान से बने होते हैं। आंसर माइल्ड स्टील। टोंक्स आर जनरली मेड ऑफ माइल्ड स्टील। चिमटे आमतौर पर माइल्ड स्टील से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर इज ब्लैंक। मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की कम से कम गिनती खालिस्तान है। आंसर 0.001 mm, 0.001 mm। लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर इज 0.001 mm। मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.00 mm है। क्वेश्चन नंबर 37, द ब्लैंक इज यूज्ड टू कट पैरेलल ग्रूव्स। खालिस्तान का उपयोग समानांतर खांचे को काटने के लिए किया जाता है। आंसर क्रॉस कट चिजल। क्रॉस कट छेनी। द क्रॉस कट चिजल इज यूज्ड टू कट पैरेलल ग्रूव्स। क्रॉस कट छेनी का उपयोग समानांतर खांचे को काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज डिटरमाइंड बाय। ट्राई स्क्वायर का आकार निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंसर लेंथ ऑफ ब्लेड। ब्लेड की लंबाई। साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज डिटरमाइंड बाय लेंथ ऑफ ब्लेड। ट्राई स्क्वायर का आकार ब्लेड की लंबाई द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जनरली मेजरिंग टूल्स आर मेड ऑफ ब्लैंक मेटल। आमतौर पर मापने के उपकरण खालिस्तान धातु से बने होते। आंसर हाई कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील। जनरली मेजरिंग टूल आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील मेटल। आमतौर पर मापने के उपकरण उच्च कार्बन स्टील धातु से बने होते हैं।
Question number 40. Gap between two mating surface is checked by. Gap ko do mating satah ke beech check kiya jata hai. Answer, pillar gauge. Gap between two mating surface is checked by pillar gauge. Do mating satah ke beech ke gap ko pillar gauge dwara check kiya jata hai. फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए.